वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ और आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छा वाला फेस वॉश लेकर आई हूँ जो कि आपके रंग को, चेहरे को बहुत ही अच्छे से क्लीन करेगा, फेयर करेगा आपके चेहरे को। और तो और आपके चेहरे पर जो जिद्दी झाइयाँ, मेलाजमा वगैरह की प्रॉब्लम है या फिर स्किन का लूज होना है, यानी कि स्किन लूज पड़ गई है, फाइन लाइन्स आ गई है, जैसे कि होता है ना 40 और 50 एज वाले होते हैं तो उनके साथ ये दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो 40-50 प्लस वालों के लिए बहुत ही अच्छा ये फेस वॉश होने वाला है। पूरी तरीके से जो है सेफ है, कोई इसमें केमिकल मैंने नहीं ऐड किया है। ऐसी चीज़ बताऊँगी जो कि हमारे पहले के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूज करते थे, मैंने उन चीज़ों को ही इस फेस वॉश में यूज किया है। थोड़ा सा मेरा अलग तरीका है, यानी कि आज मैं बताऊंगी कि मेरा क्या तरीका है, मैं इस फेस वॉश को कैसे ट्राई करती हूँ जिससे कि मुझे बहुत अच्छा ग्लो मिलता है, प्लस मेरे चेहरे पर निखार आता है और मेरे फेस पर जो झाइयों की प्रॉब्लम हो रही थी, कहीं कहीं रिंकल्स की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो सब दूर हो गई है इस फेस वॉश से। ये ऐसे फेस वॉश मैं ज़्यादा अपने फेस पर लगाना पसंद करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है तो हमें जो है मार्केट वाले जो फेस वॉश होते हैं वो रिएक्शन कर जाते हैं, यानी कि वो हमें सूट नहीं करते हैं, जैसे कि रिंकल्स आ जाता है या फिर हमारी स्किन जो है फटने लगती है या फिर हमारे फेस पर रेडनेस की प्रॉब्लम हो जाती है। सबसे बड़ी परेशानी ये है कि इचिंग की प्रॉब्लम हो जाती है। कई कमेंट मुझे ये आए हैं कि हम फेस वॉश अच्छे से अच्छा यूज कर लेते हैं लेकिन हमारे फेस पर इचिंग की, खुजली की प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखिए, ऐसा कुछ आपके साथ भी हो रहा है तो ये फेस वॉश आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। चलिए फिर मैं बताती हूँ इस फेस वॉश को आपको कैसे बनाना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और वीडियो को फुल देखना। सबसे पहले फेस वॉश बनाने के लिए आपको जो चीज़ चाहिएगी वो है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको लेनी है लेकिन आप अपने फेस के अकॉर्डिंग इसको यूज करेंगे, ठीक है? तो मैं बहुत कम क्वांटिटी ले रही हूँ क्योंकि हमें दूसरी चीज़ और लेनी है, तो मैंने जो है आधे से भी आधा चम्मच जो है मुल्तानी मिट्टी ले ली है और इसमें मैं एक चम्मच लूँगी दही। तो दही खट्टा होना चाहिए, खट्टा दही आप बनाकर जो है रख ले, फ्रिज में रख ले चाहें तो, ठीक है? और अच्छे से इसको मिक्स करें। देखिए, एक चीज़ आप इसमें ज़रूर से ऐड करें, आपके पास है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं, लेकिन जो चीज़ मैं बता रही हूँ वो है कस्तूरी हल्दी। तो देखिए, इसमें जो है आपको कस्तूरी हल्दी ही ऐड करनी है, किचन वाली हल्दी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है क्योंकि वो आपके जो फेस पर कलर छोड़ सकती है, तो आपको किचन वाली हल्दी नहीं लेनी है। लेकिन आप कस्तूरी हल्दी लेते हो तो आपके फेस पर बहुत जल्दी से निखार आएगा, आपके चेहरे के जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, रिंकल्स की प्रॉब्लम है, वो सब दूर हो जाएगी। तो आप ज़रूर से लें क्योंकि हल्दी एंटीसेप्टिक होती है, एंटीबायोटिक होती है, हमारे फेस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है मैं ले लूँगी, मेरे पास है तो मैं यहाँ पर जो है पिंच भर ले लूँगी। तो देखिए, मैंने ले ली है, अच्छे से इन सबको मिक्स करना है। देखिए, बहुत झटपट बनकर तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें जो है थोड़ा बेसन और थोड़ा मुल्तानी मिट्टी और दही और कस्तूरी हल्दी, इन सब चीज़ों को मिक्स करके अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप जो है बेसन नहीं लगाना चाहते हैं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं जैसे कि मैंने यूज किया है। मैंने सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और दही और जो है कस्तूरी हल्दी इसमें ऐड की है और ये हमारा फेस वॉश बनकर तैयार हो गया है। बहुत अच्छा फेस वॉश बनकर तैयार हुआ है गाइस। अब इसका जो निखार आएगा आप खुद ही देखना, तो अपने फेस पर इस तरीके से आपको लगा लेना है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आप इसको स्टोर करते हैं तो आप जो है एक चम्मच मुल्तानी मिट्टी और आधा चम्मच बेसन ऐड करें और जो है इसमें आधे से आधे चम्मच जो है हल्दी ऐड करें, कस्तूरी हल्दी। तो ये इन सबको आपको मिक्स करके रख लेना है। जब भी आप यूज करें तो आपको दही लेनी है और दही आप इतनी लेंगे जितना कि आपका जो फेस वॉश है इसमें ही आपको बनाना है, यानी कि आपको पानी वानी कुछ भी इसमें नहीं मिक्स करना है, ठीक है? दही आपको इतनी लेनी है, इसमें कोई गाढ़ी दही की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आपको मसाज करनी है, ठीक है? और 3 मिनट तो आप मसाज किया करें। देखिए, इससे जो है आपकी स्किन अगर तो लूज बहुत ज़्यादा हो रही है वो भी टाइट बनेगी और आपके फेस पर जो है बहुत अच्छे से निखार आएगा इस तरीके से।
आपको मसाज कर लेनी है, और मसाज करने में कुछ दिक्कत हो तो आप थोड़ा पानी लगा लें अपने फेस पर और फिर जो है इसकी मसाज करें। तो देखिए मसाज हमारी कंप्लीट हो गई है, और यहाँ पर जो है मैंने पानी लगा लगा कर अपने फेस पर मसाज की है, क्योंकि मुल्तानी मिट्टी है तो ड्राई हो जाता है, तो इसलिए आपको जो है थोड़ा थोड़ा पानी करके आप जो है इसको थोड़ा थोड़ा पानी लगाएंगे आप अपने फेस पर और मसाज करेंगे। इस तरीके से आपको अच्छे से मसाज कर लेंगे। तो देखिए हमारी मसाज कंप्लीट हो गई है, और अब मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ। गजब सा, बिल्कुल गजब वाला जो है निखार मिलेगा एक ही बार में। आप देखोगे जो आपके फेशियल ब्लीच कराते हो ना, वैसा वाला रिजल्ट आपको एक ही बार में मिलने वाला है गाइस। बहुत ही अच्छे से आपकी फेस की जितनी भी गंदगी, धूल मिट्टी वगैरह है, वो अच्छे से क्लीन होने वाली है। तो चलिए मैं अपने फेस को धोकर आती हूँ और आपको दिखाती हूँ रिजल्ट, कितना अच्छा रिजल्ट आया है। तो देखिए गाइस मैं अपने फेस को धोकर आ गई हूँ, और आप देख सकते हो अभी मैंने अपने फेस को साफ नहीं किया है टॉवल ओवल से, ठीक है। तो आप ही के सामने मैं अपने फेस को साफ करती हूँ, अच्छे से साफ कर लेना है। तो देखिए मैंने अपने फेस को साफ कर लिया है और बहुत अच्छे से फेस क्लीन हुआ है, बिल्कुल डीप क्लीन जो है अच्छे से हो गया है। आपको कोई क्लिंजर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इसको करते हो तो आपको कोई फेशियल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई क्लिंजर की ज़रूरत आपको नहीं पड़ने वाली, बहुत ही अच्छे से आपके फेस पर काम करेगा। तो इस तरीके से आपको इस फेस वॉश को बनाकर अपने फेस पर आप अप्लाई करें। थोड़ी देर बाद में आप देखोगे ग्लो जो है आना स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा हो गया है तो कुछ देर बाद में आपको बहुत अच्छे से आपके फेस पर ग्लो आएगा, चमक आएगी, आपका चेहरा भी फ्रेश फ्रेश रहेगा। अच्छा, इसके बाद जो है आप अच्छा सा मॉइस्चराइजर लेंगे और अपने फेस पर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने मुल्तानी मिट्टी ली है जो कि हमारे फेस को थोड़ा सा ड्राई करती है। ऑयली स्किन वालों के लिए बहुत ही बेस्ट फेस वॉश होने वाला है, जिन्हें ये दिक्कत होती है कि हमारे फेस पर चिपचिप रहती है या फिर ऑयल बहुत रहता है, तो वो जो है इस फेस वॉश को कंटिन्यू यूज करें, दिन में 2 से 3 बार ज़रूर से यूज करें, तो उनका जो है फेस अच्छा हो जाएगा, मतलब ऑयली स्किन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो आपको जो है फेस वॉश ज़रूर से, आपको जो है मॉइस्चराइजर ज़रूर से लगाना है, क्योंकि थोड़ा सा ड्राई कर सकता है ये, तो अच्छा सा आप जो है मॉइस्चराइजर लगा लें या फिर सनस्क्रीन लगा लें। तो ये मेरा रिजल्ट है। चलिए वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलती हूँ ऐसे ही प्यारी प्यारी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।